हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज का व्लॉग हम लोग शाम से शुरू कर रहे हैं, 5 बजे से। तो मैं गई थी शांतिपुरी अपने घर, तो वहाँ बुआ भी आई थी काठगोदाम से, और ये पंकज चाचा का बेटा है जितने प्यार से देख रहा है, और ये किटी है बुआ का बेटा, ठीक है। और मैं बताऊँगी आपको और सब दिखाऊँगी धीरे धीरे। हाँ, यह है किटी, यह है पंकज चाचा का बेटा। तो मैंने रुद्र को दिया था चश्मा, तो ये पकड़ने की कोशिश कर रहा था बट इससे पहन नहीं पाया, सीधे मुँह पर डाला, फिर मैंने पहना दिया किटी को। ये देखो कितना क्यूट और प्यारा लग रहा है ये। और पंकज चाचा का बेटा मेरे को देख रहा था ताकि गोदी में पकड़ेगी। अब मुँह देखो रुद्र का कैसा कर रहा है वो, और किटी मज़े से चॉकलेट खा रहा है। रुद्र पकड़ के मुँह पर डाल रहा है रैपर को, रैपर नहीं उसमें चॉकलेट भी है इसके लिए, बट ये खा नहीं रहा था, बस ऐसे देखने में लगा था। फिर मैं गई चाचा उनके वहाँ, तो चाचा ने मेरे साथ प्रैंक किया, मेरे साथ मोई मोई हो गया, मेरे ऊपर भूसा उड़ाने लगे हुए देखो। तो गाइस फाइनली मैं अब घर पहुंच चुकी हूँ। शांतिपुरी गई थी सबसे मिलने, सब लोग ठीक हैं वहाँ। मेन तो चाचा से मिलने गई थी बट वो भी सब ठीक हैं। और अब थोड़ा काम वाम करके कपड़े वपड़े बदल के फिर चलते हैं, फिर आपसे मिलते थोड़ी देर में। बाकी चाची की बेटी भी आई है मेरे साथ में, अच्छा लगा काफ़ी इतने दिनों बाद सबको सबसे मिल के। और अपने भाई के लिए कुरकुरे लेकर आई थी, और वो बैठ के कुरकुरे खा रहा है, और अब बेचारा सो गया है, सोने की एक्टिंग कर रहा है बहुत बुरी। पीयूष आपको ये कुरकुरे किसको दूँ, किसको दूँ? और ये देखो पीछे से मुझे लात मार रहा है, ठीक है। तो मेहंदी वाली फोटो पड़ी है, हाँ, मुझसे कह रहा है अगर तूने ये वीडियो डिलीट नहीं करी तो तेरी मेहंदी वाली फोटो पड़ी है ऐसी। तो गाइस अब कपड़े वपड़े बदल के फिर करते हैं थोड़ा काम वाम, खाना भी बनाना है मुझे, आपको दिखाऊंगी कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, ठीक है। अब चलते हैं किचन की साइड को। बन रहे हैं सेम गुजिया, सेम फिर से नए सेम बनाए मम्मी ने, बताती हूँ कैसे बनाए हैं। वीडियो बना बढ़िया सही हो रहे थे हैं। हम मिलाते हैं आपसे जी मोड़ कहीं की, जा खा वहाँ, ठीक से मुंह तो धो लेती, ये क्या कर रखा है, कल है छड़ेली आज थोड़ी है। क्या हो गया टीवी में, क्या हो गया है, लाओ रिमोट। अब करते हैं हम लोग टीवी सही, क्या करा तूने इसमें, देखो तो चैनल लॉक होगा ना, वो टाटा स्काई में पता नहीं क्या क्या होते रहता है। तो गाइस कोई भी टाटा स्काई मत लगाना, तारक मेहता देख ले, मुझे वो पसंद नहीं, अपने हिसाब से देख लो फिर। ये मेरे घर का वाईफाई का डब्बा, ये सेटअप बॉक्स, वाईफाई में आजकल रिचार्ज खत्म हो रहा हमने किया नहीं। तो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बज चुके हैं 7:30। ये बताना कितने घोड़े हैं हमारे इस पेंटिंग में। तो गाइस फिर मैं कुछ सामान लेने गई थी, यहाँ पे पास पे दुकान है अंकल की, अंकल ने मुझे आराम से कुर्सी में बैठाया, मुझे नमकीन दे रहे थे खाने को, खा ले बट मैंने थोड़ी सी खाई, फिर मैं आ गई सामान लेकर। खुशबू कह दे, खुशबू कह दे, आ ले चीजी दूंगी, आजा आ दीदी चीजी दे गया, आ आ आ दीदी चीजी दे गया, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आजा गुड बॉय आजा। हाँ कौन खाएगा इसको, खुशबू बोलो पहले, खुशबू बोलो पहले, दीदी चीजी देगी, खुशबू बोलो पहले, थैंक यू बोल दो, थैंक यू दोबारा बोल, तवा बाय, कहाँ जा रहे हो ए क्या कर रही तू, ये चॉकलेट क्या है, ये क्या है, ये तन्ना कहाँ गई, पकड़ो इसका आ दीदी के साथ आ जाओ, चलो आओ चलो गुड बॉय आ जाओ। देखो कैसा लग रहा है ये, पापा तो गया, तैयारी होगी दोनों की, पक्का गुब्बारे भर दिए, ये क्या पिया दीपू तूने बियर वाले गिलास में, तूने इसने पिया, पीयूष क्या पिया तूने, पीयूष ओके ओके, होली की तैयारी होगी फिर, मेरे को तो खेलनी भी नहीं होली। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ बिल्कुल घर के लुक में, और अब करते कपड़े पे फोल्ड, पहले बाहर से लेकर आते हैं कपड़े, फिर कपड़े फोल्ड करके फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। कितने मजे में लेट के क्या देख रही है खुशी, टीवी में क्या देख रही है, छोटा भीम चुटकी कैसी लगती है, इधर खड़े पहले ये देख कैसे कर दिया, ये सही से रख उसको, वो तू रख दे फिर उसको, गुड हम मिलते हैं गाइस आपसे थोड़ी देर में, बिछाओ उसको अच्छे से, खड़े हो जल्दी बिछाओ से, हाँ
गाइस मैं कपड़े उठा के ले आई हूँ। अब करते कपड़े वगैरह फोल्ड और टीवी चल रही है, टीवी में चल रहे हैं कार्टून। कपड़े फोल्ड वगैरह करके फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये मेरा फेवरेट टॉवल है, मुझे बहुत पसंद है ये टॉवल। एक तो ब्लैक बहुत कम मिलता है, ऊपर से मेरा फेवरेट कलर भी है ब्लैक और मेरा फेवरेट टॉवल भी है ये। मुझे बनाना है चिकन और मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ बट मैं बना लेती हूँ। तो मैंने अभी मसाला पीस लिया है सिलपट्टे में। मैं अपने खाने में मिक्सी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती, मेरे को हाथ से पीसना ही ज़्यादा बेटर लगता है। ये है चिकन, अब बनाएंगे चिकन, आपको मैं दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, ठीक है? आप भी ट्राई करना अपने घर पे। फाइनली मैंने प्याज, जीरा, खड़े मसाले, खड़ी करके मिर्ची डाली ताकि इन बच्चों के मुँह पर ना लगे। और इसमें है टमाटर, अब बनाते हैं चिकन। तो गाइस प्याज हल्का सा पकने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था हल्के से धनिया के पत्ते और फिर डाल दिया था जो मैंने सिलपट्टे में मसाला पीसा था। और अब मैंने इसमें डाले की हल्की सी दही ताकि मैं वो चिकन पे डालूँ। उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया चम्मच से ताकि इसमें से कोई भी वो बड़े बड़े डेले टाइप के ना रहें, इसलिए मैंने उसको अच्छे से फेंट लिया, खूब तेज तेज करके फेंटा मैंने। फिर इसके बाद मैं थोड़े बर्तन वर्तन साइड करने लगी अगल बगल के। फिर मैंने आई मैं ज़रा फिर चिकन लेकर आई मैं ताकि मैं उसको उसमें डालूँ। फिर हल्का सा मैंने चिकन को वॉश भी करा, बाकी फिर जो कुकर में सामान था उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। और फिर लाइटर जलाकर गैस ऑन करके मैंने जो दही थी इसमें डाली अच्छे से ताकि इसमें थोड़ी सी भी ना बचे। मैंने पूरा अच्छे से लोटा साफ़ करके निकाली, फिर मैंने हल्का सा पानी डाल के मिक्स करके उसको दोबारा से फिर कुकर पे ही डाल दिया था मैंने ताकि वेस्ट ना हो जो भी हम बना रहे हैं। फिर मैंने अच्छे से मिक्स करा इसको और आप देख सकते हैं मेरे दो कान भी खड़े हैं मेरे हेयर बैंड के। आप मुझे बताना कैसा लग रहा है आपको, अभी दिखाऊंगी आगे कि मैं कैसी लग रही थी हेयर बैंड लगा के। बाकी मेरा चिकन का ग्रेवी रेडी हो रही थी, मसाला वगैरह बन रहा था, मैं मेहनत भी कर ही रही थी। आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है, तो आप मुझे बताओ कि आपको ग्रेवी कैसी लग रही है ये, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ तो मैंने बना रखा है पापा लोगों के लिए। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी ताकि मसाला पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैंने चिकन को पकड़ के एक एक पीस डाल रही थी मैं इसमें। फिर मैं दोबारा से उसको हल्का सा वॉश करके आई, फिर मैंने दोबारा एक एक पीस करके मैं इसमें डाल दी ताकि अच्छे से चिकन जो भी ग्रेवी है वो पूरा जो भी टेस्ट है ग्रेवी का मसालों का वो चिकन पे भी चले जाए। तो इसलिए मैं आराम से थोड़े थोड़े करके एक एक करके मैं चिकन इसमें डाल रही थी। फिर चिकन पूरा ख़त्म हुआ, शायद से 1 किलो ही था मेरे हिसाब से। फिर मैं अच्छे से मिक्स करने लग गई अच्छे से, देखिए आप, क्योंकि मेरे को कढ़ाई में बनता नहीं है, मैंने कभी बनाया भी नहीं, मैंने कुकर पे ही बना रखा है। तो इसको मैंने थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के धीमी आंच पे लो फ्लेम करके ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने 5 मिनट के लिए। तो गाइस इसमें मैंने डाल दिया मीट मसाला, ऊपर से हल्का सा चिकन मसाला। अब करते हैं इसमें ढक्कन लगा के 2 सीटी में बन जाएगा, क्योंकि मेरे को कढ़ाई बनाना नहीं आता इसलिए मैं कुकर में ही बनाती हूँ। तो गाइस जब तक मेरा चिकन बन रहा है 2 सीटी आने में भी टाइम है, तब तक मैंने सोचा कि बर्तन रखे थे, मैंने सोचा कि अब मैं इसको धो लेती हूँ। तो मैं आराम से बर्तन वगैरह भी धो रही थी। देखिए फाइनली मेरे बर्तन वगैरह धुल गए, मैंने हैंड वॉश किया, फिर उसके बाद अपने नल को भी नहलाया ताकि जो मेरे हैंड वॉश का जो गंदगी उसमें लगी है हाथ की वो उसको भी धोया मैंने अच्छे से।
फिर अपने हाथ का थोड़ा छटकाए, फिर मैं गई अपने चिकन के पास, थोड़ा उसको देखा, फिर देखिए फाइनली मेरे पूरे बर्तन भी धुल चुके हैं और हाथ भी धुल गए हैं अच्छे से। तो फिर मैंने अपनी बुआ की बेटी से पूछा, बता कितनी सीटी आई करके, तो कह रही है कि एक आई दो आई, सॉरी बुआ की नहीं मेरी चाचा की बेटी है वो। और ये फिर आ गया था यहाँ, फ़ोन देख रहा था आराम से बिस्तर में बैठ के, और ये दोनों भी अपने अपने गेम पे लगे हैं। और मेरे को भी देखो मैं कैसी लग रही हूँ, इडियट कह रही है मुझे। थैंक यू, मेरी मम्मी मिले रहे, नए कान के लेकर आइए, आप बताना कैसे लग रहा है। वैसे मैं कान के पहनती नहीं हूँ, बट फिर भी लेकर आइए, उतार के भाग जाऊंगी यहीं। ऊपर जगह नहीं है बेटा, ऊपर को जगह नहीं मिल रही है, बदमाश कहीं का। तो गाइस अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेरा चिकन बिल्कुल रेडी है, आप बताना आपको कैसा लग रहा है मेरा चिकन। मैंने इसमें ऊपर से धनिया के पत्ते भी डाल दिए थे। कल होली है, मेरी मम्मी लोगों ने अभी निकाल रखे अपने लिए होली के कपड़े, वाह। क्योंकि मम्मी किसी घर भी होली में नहीं गई थी, क्योंकि मैं बीमार थी तो मेरी मम्मी मेरे साथ थी इसलिए। तो अभी निकाले हैं, भाई ने भी आज ही निकाल रखे हैं टी शर्ट होली की, और मैंने तो होली खेलनी नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए मैं घर पे ही रहूँगी, आराम से रेस्ट करूँगी, खाना बनाऊँगी सबके लिए, ठीक है। और बाकी आपको मिलाती हूँ अपनी चाची की बेटी से, देखती हुई क्या कर रही है। खुशी क्या कर रही है, किस में? यूट्यूब में। ओके, मेरा व्लॉग देख रही है, कैसा लग रहा है? मस्त, गुड गुड गुड, देखो देखो, ठीक है। आज का व्लॉग बस इतना सही है, मिलते हैं आपसे कल, आपको दिखाऊंगी सब कुछ होली का, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, आप सब लोग ध्यान देना, हैप्पी होली, सेफ होली, सब आप लोग अपना ध्यान देना, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।